बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज के प्रैक्टिकल के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ कॉटन। उसके अंदर जो कॉटन की जिनिंग है और उसकी प्रोसेसिंग है, थोड़ा सा जो इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव है वो मैं थोड़ा सा आपसे पहले शेयर करूँगा। कॉटन इंडोपॉक सब कॉन्टिनेंट में सेंचुरी से लग रही है, ठीक हो गया। मगर जैसे यानी कि जब इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट ब्रिटिश कॉलोनी बना, तो फिर यहाँ जो हमारी पहले देसी कॉटन लगती थी, और उसके बाद जब यहाँ यानी कि इंग्लैंड से ये यानी कि ये ब्रिटिश कॉलोनी बना, तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ से अपलैंड कॉटन, जिसे हम गोशिपियम हिर्सुटम कहते हैं, वो हमारे इधर इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट मुतारिफ कराई गई। नो डाउट जो ये इंग्लिश कॉटन है, जिसे हम अपलैंड कॉटन भी कहते हैं या गोशिपियम हिर्सुटम है, वो जो हमारी ऑलरेडी जो नेटिव कॉटन थी, जिसे हम गोशिपियम अरबोरियम कहते हैं, ठीक है, उससे इसकी कोई थोड़ी सी फाइबर क्वालिटी अच्छी है, फाइबर लेंथ अच्छी थी, यील्ड भी इसकी अच्छी आती थी। मगर इसमें इशू ये था कि जो हमारी देसी कपास थी उसके ऊपर बेटे बीमारियों का हमला नहीं होता था, उसके ऊपर ये वाइट फ्लाई कट है, उसके ऊपर वायरल अटैक नहीं आता था, क्योंकि सदियों से यहाँ लग लग के वो रेजिस्टेंट हो चुकी थी यहाँ क्लाइमेट से। अनफॉर्चुनेटली ये जो अपलैंड कॉटन, इंग्लिश कॉटन हमारे मुल्क में आई, ये यहाँ अडॉप्ट अभी तक भी नहीं कर सकी। अभी तक भी आप देखें कपास के ऊपर स्वियर इंसेक्ट अटैक आता है, थ्रिप्स का अटैक आता है, तो वायरस का भी अटैक आता है, तो इस तरह यानी कि अभी तक हम ये अडॉप्ट नहीं कर पाए। थोड़ा सा अगर मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि कॉटन पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री, ठीक है। हमारे मुल्क में तकरीबन 550 टेक्सटाइल मिल्स हैं और उनका रॉ मटेरियल कॉटन है, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर स्पिनिंग मिल्स भी हैं, टेक्सटाइल मिल्स भी हैं, और मैं थोड़ा सा अगर एडअप करता चलूँ कि 1960s के अंदर तो पाकिस्तान एशियन टाइगर्स में था। अगर आप देखें 1960s में पाकिस्तान के जो भी यानी कि हमारे हेड ऑफ स्टेट्स होते थे, वो अगर इंग्लैंड जा रहे हैं, वो US जा रहे हैं, या किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, तो उन्हें ऐसा प्रोटोकॉल मिलता था तो अब तो कोई सोच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान में इंडस्ट्री थी, पाकिस्तान में उस टाइम मशीन खुद यहाँ डेवलप की जाती थी। अगर बीको एक इंडस्ट्री है, अगर आपने उसका नाम सुना हो, तो लाहौर के अंदर थी, तो वो लोग उस जमाने के अंदर बेटे टेक्सटाइल मिल के पार्ट्स, हत्ता कि एयरक्राफ्ट के भी वो स्पेयर पार्ट्स उस टाइम में वो बनाते थे, ये पावर लूम्स बनाते थे, तो जिनिंग फैक्ट्रीज का सामान बनाते थे। तो वो एक ऐसा दौर था कि पाकिस्तान के अंदर एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, मगर अनफॉर्चुनेटली उसके बाद कुछ हालात ऐसे होते गए, नेशनलाइजेशन हो गई, वो लोग जो असल मालिक थे उनसे उनकी इंडस्ट्रीज छीन ली गई, तो और वो यानी कि सारी नेशनलाइज कर दी गई। तो जब लोग सरकार के मुलाजिम बने, फिर आपको पता है कि जो फिर लोगों ने काम करना छोड़ दिया, अल्टीमेटली वो अब तबाही के दाने पे। अगर आप थोड़ा सा बीको का जो इनका 52 acres के ऊपर इनका इंडस्ट्रियल जोन था लाहौर के अंदर ना, तो अब वो खंडर है, सारे शेड गवर्नमेंट ने सेल आउट कर दिए, हर चीज स्क्रैप कर दी उसकी। तो कहने का मकसद है, थोड़ा सा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर ये जो कॉटन है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर ये एक बैकबोन का यानी के एक रोल प्ले करती थी। अब क्योंकि हमारी प्रोडक्शन भी कम हो गई है, हमारी काफ़ी सारी इंडस्ट्री भी बांग्लादेश शिफ्ट हो गई है, तंजानिया शिफ्ट हो गई है ड्यू टू सम पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, दूसरा थोड़ा सा गैस के और ये जो इस तरह के जो टैक्सेस और इस तरह के इश्यूज की वजह से। अगर हम थोड़ा सा देखें जो कॉटन हमारे मुल्क में प्रोड्यूस होती है, उसको पहले क्या कहा जाता है बेटे, जो कपास प्रोड्यूस होती है, जो कपास खवातीन चुनती हैं या कॉटन पिकर दुनिया में तो यूज होते हैं कपास चुनने के लिए, वो कपास के अंदर कपास का सीड भी होता है, जिसे लोकल जबान में बिनोला कहा जाता है। अगर कपास को उस बिनोले के साथ हम स्टोर कर देंगे, अगर कॉटन विद सीड हम स्टोर करेंगे, तो वो ज्यादा देर तक हम स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि सीड जो होता है बेटे वो एक लिविंग एंटिटी होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा अगर आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये कपास यानी कि है, इसके अंदर सीड भी है, ट्रैश भी है। तो बेसिकली विद सीड हम इसको ज्यादा अर्से तक नहीं स्टोर कर सकते, क्योंकि सीड इज अ लिविंग एंटिटी। सीड में क्या रेस्पिरेशन हो रही है,
जब हम इसकी ढेरी लगाएंगे, इसे बल्क में स्टोर करेंगे, जो कपास नीचे होगी वो, क्योंकि सीट प्रॉपरली रिस्पायर नहीं कर सकेगा, कपास हीट अप हो जाती है, हद तक ये फाइबर का कलर भी चेंज हो जाता है। तो कपास को स्टोर करने के लिए सबसे पहला क्या अमल किया जाता है, इससे इसके सीट को अलग किया जाता है, जिससे प्रोसेस को हम जिनिंग कहते हैं। ऑल ऑफ दिस जिनिंग ऑपरेटेड ऑन द कंसेप्ट ऑफ यूटिलाइजिंग, जैसे इसमें रोलर इस्तेमाल किए जाते हैं जो फाइबर को एक तरफ कर देते हैं, और कॉटन सीड को, जिसे हम बिनोला कहते हैं, उसे एक तरफ कर लेते हैं। और ये जिनर्स बेटे बड़े हैं, बड़े से बड़ा यानी कि बड़ी जिनिंग फैक्ट्रीज भी हैं अक्सर। अब तो हमारे इलाके में जिनिंग फैक्ट्रीज साउथ पंजाब में तो कम होती जा रही हैं, क्योंकि ज्यादा एरिया जो है वो लोग अब प्रेफर करते हैं, क्योंकि रिटर्न्स ज्यादा, कॉर्न की क्रॉप में अच्छे रिटर्न्स हैं, लोग कॉर्न की तरफ बहुत शिफ्ट हो गए हैं, पैडी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जो जिनिंग फैक्ट्रीज होती हैं तो वहाँ बेटे सक्शन पाइप्स होते हैं, वो पाइप ये चले नेक्स्ट कमिंग स्लाइड में आपको बताता हूँ। तो बेसिकली इनका काम ये होता है कि सीट को लिंट से अलग किया जा सके। तो छोटी हैंड हेल्ड मशीन भी होती हैं और बड़ी से बड़ी मशीन भी होती हैं, जिनकी कैपेसिटी 100 टन पर डे भी होती है। तो जीनिंग वैसे 1750 से स्टार्ट हुई। अब ये अगर आप लोग देखते हैं तो ये कपास की ढेरियां लगी हुई हैं, ठीक हो गया, इनको ऊपर से बारिश से बचाया गया है, क्योंकि अगर बारिश कपास से पड़ेगी तो क्या होगा, सीड जो है वो मॉइस्चर अपटेक कर लेगा, जितना सीड में मॉइस्चर ज्यादा होगा उतना उसका रिस्पिरेशन रेट ज्यादा होगा, उतनी वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा और उतना ही फसल ये किसी क्वालिटी खराब होने का खतरा हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो है को, ये जो आप मशीनरी देख रहे हैं ये कॉटन पिकर के साथ अटैच हो जाती है। तो कॉटन पिकर कपास को चुनता है और फिर इसे ट्रॉली के अंदर यानी कि वो ट्रैश साफ करके वो फिल आउट कर देता है। उसके बाद ये जो कॉटन हम पिक की होती है या मैनुअल पिक होती है, उसको फिर हम सार्जन मशीन से गुजारते हैं। ये आप सार्जन मशीन देख रहे हैं, या इधर हमारे भी इधर कॉटन फैक्ट्रीज में सार्जन मशीन लगी होती हैं। बेसिकली इनका काम क्या होता है सार्जन मशीन का, कि ये सीड को और लिंट को अलग अलग करती हैं, ट्रैश को एक साइड पे करती हैं। अब ये देखें, ये कपास की वो जो मशीन जिनिंग कर रही है, इसका सीड इसको अलग कर रही है। अब ये सारा, ये बिनोला जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये जो एक तरफ आ रहा है, और उसके बाद क्योंकि आपको पता है जो रुई है वो स्पेस ज्यादा लेती है, उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, उसको फिर कंप्रेस किया जाता है, उसकी क्या बनाई जाती है, बेल्स बनाई जाती हैं, ताकि उसका स्टोरेज भी इजी हो सके, उसको इजीली मूव भी किया जा सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उसे अब जो जिनिंग फैक्ट्री में बेसिकली क्या होता है कि कॉटन के सीड से कॉटन की जो रुई या लिंट अलग कर दी जाती है। उसके बाद जो कॉटन लिंट है वो किधर जाती है, प्रेस में जाती है, वहाँ इसकी बेल्स बन जाती है। आप अक्सर रोड साइड पे मूव करते हैं लिखा होता है कॉटन जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री। तो जिनिंग और प्रेसिंग, प्रेसिंग कोई मशीन, जिनिंग जरा चीप है मशीन होती है, प्रेस जरा महंगी होती है, क्योंकि वो बिल्कुल लोहा होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम के जरिए कपास की बेल को प्रेस किया जाता है। उसके बाद ये जो बेल है किधर जाती है, स्पिनिंग फैक्ट्री में जाती है। स्पिनिंग मिल में क्या होता है कि ये रुई से धागा बनता है, ठीक है, और उसके बाद ये जो है स्पिनिंग मिल से जो धागा है वो किधर जाता है, वेविंग मिल में जाता है, टेक्सटाइल मिल में जाता है, वहाँ इसको इससे कपड़ा बनता है। उसके बाद उसकी डाइंग होती है, डाइंग के बाद वो मार्केट में वैसे भी सेल होने के लिए आ जाता है, या उसका गारमेंट इंडस्ट्री में भी वो चला जाता है। ये ठीक है, ये कॉटन है, इसको पिक किया जाता है। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बेल्स का बताया कि जो कॉटन की फाइबर को प्रेस कर दिया जाता है बेल्स के अंदर, ठीक है, और उसके ऊपर फिर ऊपर से स्टील की स्ट्रैप्स लगा दी जाती हैं ताकि बेल खुले ना। अक्सर ये होता है कि जैसे हमारे मुल्क के अंदर टेम्परेचर भी हाई होता है, जब इन बेल्स को लोड किया जाता है ना बेटे किसी ट्रॉलर पे शिफ्ट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं पहाड़ी से फैसलाबाद शिफ्ट करनी है, अब लोग यूज करते हैं कि प्लास्टिक की यूज करते हैं ये ना स्ट्रैप्स बेल्स बनाने के लिए। अक्सर पहले ये होता था कि जो स्टील की यूज करते थे ना, तो रास्ते में कोई जंप लगता है, वो स्टील आपस में रगड़ती थी, वो चिंगारी बनती थी, उससे अक्सर औकात आग भी लग जाती थी, क्योंकि बिल्कुल खुश्क होती है रुई और वो तो बिल्कुल तैयार होती है आग पकड़ने के लिए, थोड़ी सी चिंगारी बनी, ठीक है, और इसके बाद लोडेड इसको ट्रक्स पर लोड किया जाता है शिप यार्ड में। पाकिस्तान यानी कि पहले तो हम
ये जो रॉ कॉटन है, इस तरह बेल की फार्म में हम जब हमारी प्रोडक्शन अच्छी थी, 13 मिलियन बेल से अबव थी, तब ये जो रॉ कॉटन थी इसको पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी करता था, मगर अब अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रोडक्शन भी चली नीचे चली गई है, एरिया अंडर कॉटन भी नीचे जा रहा है, तो हम हर साल कॉटन बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो ये अनलोडिंग हो रही है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि द जीनिंग ऑफ कॉटन मे बी कंसिडर टू बी सेकेंड स्टेज इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन आफ्टर कॉटन हैज बीन पिक इन द फील्ड द सीड एंड अदर फॉरन मटीरियल नीड टू बी रिमूव बिफोर इट कैन बी स्पन इन टू थ्रेड विच इज फर्दर यूज इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। यानी कि धागा बनाने से पहले पहले हमने उसका ट्रैश, उसमें से डस्ट, उसमें से सीड, उसमें से ईच एंड एवरी थिंग को रिमूव कर देना है। जो बेसिकली जो टेक्सटाइल मिल्स होती हैं वो परचेज करती हैं कॉटन बेल कहाँ से, जिनर से, या कॉटन के वेयर हाउसेज होते हैं जो, यानी कि जो लोग यानी कि इसका बिजनेस करते हैं, तो फिर वो स्टार्ट करते हैं रॉ कॉटन से, पहले उसका यार्न या फाइबर बनाते हैं, ठीक है, उससे यानी कि धागा बनता है, फिर उसकी वेविंग होती है, जो कपड़ा बनता है उसकी फिर डाइंग होती है, क्लीनिंग होती है, वो रॉ फॉर्म में भी यूज़ हो जाता है या गारमेंट इंडस्ट्री को चला जाता है वहाँ, यानी कि उससे फिर डिफरेंट शर्ट्स और पैंट्स और डिफरेंट जो यूज़ की आइटम्स हैं वो उससे बनते हैं। तो बेटे आज के हवाले से, आज का टॉपिक के हवाले से यही था। इस हवाले से किसी भी स्टूडेंट का, बेटे आप में से किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है बेटे आप लोग कर सकते हैं। अच्छा मैं थोड़ा सा बताता चलूं, आज की क्लास के अंदर कौन कौन से स्टूडेंट प्रेजेंट है, ये क्योंकि LMS तो आई थिंक अभी भी नहीं चल रहा, आई थिंक सो, तो हम जरा नहीं चल रहा ना बेटे, नहीं। हाँ चलो मैं बताता चलूँ, ये फिर रिकॉर्डिंग में आ जाएगी ना अटेंडेंस आपकी। आज अदील हकीम, अरसलान मुनीर, आयशा सलीम, हसन रंधावा, बिलाल हैदर, महम माजिद, महविश मुजाहिद, मोहम्मद अदील, मोहम्मद बिलाल, हमजा हनीफ, नासिर शबीर, नवीद अकरम, जियाउर रहमान, रईस सलीम, रुहाब मलिक, सुलेमान अब्बास, सैयद दानिश और वजीहा सरवर आज हमारी क्लास में। आई थिंक 24 स्टूडेंट्स हैं और 24 में से फिलहाल 18 स्टूडेंट इधर क्लास के अंदर हैं। चलिए बेटे आज के हवाले से कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो बेटे आप लोग कर सकते हैं, ये नोट्स वगैरह रिकॉर्डिंग वगैरह मैं आपसे शेयर कर लूँगा। हाँ बेटे इसकी PPT भी आपको मिल जाएगी विद ऑडियो नरेशन। ओके सर। हाँ वो बल्कि मैं क्योंकि अभी LMS से चल नहीं रहा तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ही इसकी जो PPT मैं शेयर कर लूंगा। हाँ जी बेटे किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। किसी को क्वेश्चन नहीं है, चलें अपना खूब ख्याल रखिएगा, जो पढ़ रहे हैं उसको साथ साथ कॉपी पे लिखते जाएं, अपनी कॉपी साथ साथ अपनी प्रिपेयर कर लें, और आजकल हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं बेटे, फुल अपनी और अपनी फैमिली की फुल आप लोगों ने केयर करनी है। ठीक है बेटे, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।